जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में, हमारा जो जो फिलोसोफर हैं ये आपका वेस्टर्न फिलोसोफर है, मैथ्यू अर्नोल्ड को हमें पढ़ना है। मैथ्यू अर्नोल्ड को अगर हम लोग जाने तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि इनका जन्म और मृत्यु का समय काल कितना रहा है, और उसके साथ हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म 1822 का है आपका, 24 दिसंबर का, 24 दिसंबर 1822, और मृत्यु है 1883 का। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा। अब हम इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इनकी रचनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, जो कि एग्ज़ाम्स में हमें रचनाओं पर ज़्यादा फोकस करना है इन सभी के बारे में जिससे पूछा जाएगा। देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड का जन्म लेलहम में हुआ था। लेलहम जो है आपका मिडिल सेक्स में है, और ये आपका जो है ये पड़ता है आपका ये ब्रिटेन में। मैथ्यू अर्नोल्ड ब्रिटिश आपका जो है फिलोसोफर थे, पोइट थे, और जो है वहाँ से इनका जो है जन्म हुआ लेलहम में, मिडिल सेक्स में। जन्म का समय और जन्म और मृत्यु मैंने लिखी दिया है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के ऊपर। एक चीज़ आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी लोग हैं ये वेस्टर्न फिलोसोफर हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न पोइट हैं, तो इनकी जो रचनाएं होंगी, जो इन्होंने लिखा है वो भी अंग्रेजी में लिखा है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो इंग्लिश में होंगी, इसीलिए उसको आपको आत्मसात करना है, समझना है चीज़ों को। शुरू करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। तो सबसे पहली बात जो इनकी है कि ये एक क्रिटिक पोइट थे। क्रिटिक पोइट का अर्थ मतलब ये होता है कि जो क्रिटिक करते हैं दूसरे की पोइम्स के ऊपर, जो कि इनके साथी थे, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ थे और इलियट थे या रिचर्ड्स थे और भी शेक्सपियर थे, उनके विषय में भी इन्होंने उनकी पोइम पर इन्होंने क्रिटिक की है, तो ये क्रिटिक पोइट थे। और विक्टोरियन एज के कॉम्प्रोमाइजिंग पोइट थे। जो विक्टोरिया थी आपका क्वीन की, जो ब्रिटेन की महारानी थी, उस समय के पोइट हैं। बात करते हैं इनके बारे में, इनके माता पिता के बारे में। तो थॉमस अर्नोल्ड जो थे, इनके फादर का नाम, इनके पिता का नाम है, हेडमास्टर थे ये रग्बी स्कूल में इनके थे, वहीं पे इनकी पहली शिक्षा दीक्षा हुई है। अब बात करते हैं हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में। देखिए, इन्होंने जो लिखी है किताबें, मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो पोएम लिखी है, जो कविता लिखी है, उसका उसको पोस्ट्रल एलिजी बोला जाता है। अंग्रेजी में उसको पोस्ट्रल एलिजी बोला जाता है। पोस्टोरल एलिगी का मतलब होता है कि वो कविताएं या वो पोयम जो किसी की मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है, उसको याद करके लिखी जाती है। तो इनका जो इनकी प्रसिद्धि हुई वही पोस्टोरल एलिजी लिखने से इनकी पोस्टोरल एलिजी लिखने से जो है इनका मान सम्मान हुआ। अब बात करते हैं इनके बारे में। अर्नोल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड ने पढ़ाई की रग्बी स्कूल में, जहाँ पे इनके पिता हेडमास्टर थे, वहीं पे जो है ये अपना जो वहाँ पे इन्होंने पहली पढ़ाई शुरू की। फिर ये बेलिलियो कॉलेज चले गए और वहाँ पे इन्होंने स्कॉलरशिप ली, और उसके बाद फिर ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े। तो हम लोगों ने जाना इनके बारे में कि मैथ्यू अर्नोल्ड कहाँ से थे, इनकी जन्म मृत्यु क्या है। अब इनकी हम लोग रचनाओं के बारे में भी जानेंगे, मोटा मोटी इनके भाव को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन है और इन्होंने क्या क्या लिखा, किस विषय में लिखा, किसके बारे में क्या बोला, इसी से संबंधित आपको वो इसे एक दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। बात करते हैं, ही गॉट मैरिड, इन्होंने जो शादी की उनका नाम था फ्रांसिस लूसी वाइटमैन। 1851 में इन्होंने शादी की फ्रांसिस लूसी वाइटमैन से, 1851 में। और 18वीं सेंचुरी में जिसे कि इंग्लैंड में एज ऑफ प्रोस एंड रीजंस कहा जाता है, 18वीं सेंचुरी को मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही अपने किताबों में या फिर अपने क्रिटिक में उसे एज ऑफ प्रोस एंड रीजन कहा है।
बात करते हैं हम लोग आगे। इन्होंने एक बहुत बड़ी जो एक मेथड दिया उसका नाम था टच स्टोन मेथड। टच स्टोन मेथड को बोला जाता है मिट्टी को ऐसा मेथड है जैसे कि मान लीजिए कोई मिट्टी है और वो जिस चीज़ को भी छू रही है वो भी अच्छी हो जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड टच स्टोन मेथड। वो देने वाले मैथ्यू अर्नोल्ड ही थे और इन्होंने इस टच स्टोन मेथड के अंदर जो है आपको होमर, दांते और शेक्सपियर के पैसेजेस को लिया है और उस पर उन्होंने क्रिटिक किया है। अब बात करते हैं हम अर्नोल्ड के बारे में, मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में कि इन्होंने कैसी कविताएं लिखी हैं जिससे कि संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए अर्नोल्ड जो मैथ्यू अर्नोल्ड थे उन्होंने कहा कि जॉफरी चौसर के बारे में, जॉफरी चौसर भी एक बहुत बड़े आपका कवि रहे हैं, उनके विषय में उन्होंने बोला, क्यों ये तो अब जान ही रहे मैंने बता दिया पहले कि ये क्रिटिक पोएट थे, उन्होंने बोला जॉफरी चौसर के बारे में कि ये एक हाई सीरियसनेस की इनमें कमी है। जॉफरी चौसर के बारे में अर्नोल्ड बोलते हैं कि इनकी कविताओं में हाई सीरियसनेस की कमी है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताया कि जो आपका जो शेक्सपियर एंड मिल्टन जो हैं उनके बाद जो स्थान जो है मैथ्यू अर्नोल्ड को आता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि शेक्सपियर और मिल्टन के बाद अगर हम स्थान देना चाहें तो वो मैथ्यू अर्नोल्ड को देना हम लोग चाहेंगे। फिर बात करते हैं इनकी पोइम्स के बारे में। इन्होंने एक पोइम लिखी है जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेज, इसको लिख लीजिए आप लोग। पोइम का नाम है मेमोरियल वर्सेज लिखा है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थी पोइम। पोइम का नाम है मेमोरियल वर्सेज। पोइम का नाम क्या है? मेमोरियल वर्सेज। मेमोरियल वर्सेज इनकी पोइम का नाम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करते हैं ये वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थी पोइम। पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, इसका अर्थ हुआ कि जो कविता है वो जीवन की आलोचनात्मक व्याख्या इसमें होती है। ये बात इन्होंने मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही है। अगले पॉइंट पर जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्नोल्ड इज रिगार्डेड एज ए क्लासिकिस्ट क्रिटिक। अर्नोल्ड के विषय में कहा जाता है कि ये एक क्लासिकल क्रिटिक थे। क्लासिकल एक काल था जो कि आप लोगों को हमने बताया कि 18वीं शताब्दी के समय से अर्नोल्ड इज रिगार्डेड एज ए क्लासिकिस्ट क्रिटिक थे। होमर, दांते, शेक्सपियर के कारण ही इन्होंने उनमें से एक्सट्रैक्ट लिए, मतलब कि उसमें से उनकी चीज़ों को लिया और इन्होंने जो है आपको जो है क्रिटिक किया। अगली लाइन पे हम लोग जाएंगे। कल्चर एंड अनार्की डील्स विथ थियोलॉजी। इसके विषय में कहा जाता है जो कल्चर है और अनार्की जो है, अनार्की जिसे बोलते हैं, डील्स विथ थियोलॉजी, इन्होंने मैथ्यू अर्नोल्ड ने ही इसके विषय में कहा है। अगले लाइन की तरफ जाते हैं। थराइसिस इज एन एलिजी रिटन ऑन डेथ ऑफ आर्थर ह्यूज कोलोन डाइड इन 1867। ये एक दरअसल थराइसिस बोला जाता है ऐसी एलिजी मतलब कि पोएम को जो कि किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है, उसी को हम लोग थराइसिस बोलते हैं। तो इन्होंने लिखा है थराइसिस लिखी इन्होंने मैथ्यू अर्नोल्ड ने। कब लिखी इन्होंने? आर्थर ह्यूग क्लाउ के मरने के उपरांत, जो कि 1861 में मरे, उन्हीं के विषय पर इन्होंने थराइसिस लिखी। थोड़ा सा ये क्लिष्ट आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि ये वेस्टर्न थिंकर हैं, इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे इनकी रचनाओं पर। घबराइएगा मत, मैंने अलग से भी इनकी रचनाओं का एक खाका तैयार कर रखा है सभी पे, वो भी मैं आपको इस क्लास के अंत में एक बार फिर से रिविज़न करवाऊँगा, इसीलिए बोर होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, एक मोटा मोटी समझ विकसित करने की ज़रूरत है। अब अगली बात करते हैं हम लोग। अर्नोल्ड ने जो सबसे ज़्यादा वर्क किया वो किया आपका कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म पर। कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि दो या तीन या चार जो उस समय के बहुत बड़े जो पोएट थे उनकी जो रचनाएं आ रही थी उनका उन्होंने कंपैरेटिव उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया, काम किया। नेक्स्ट करते हैं जो उनकी बात है। एलिजी आर द बेस्ट पोएम ऑफ अर्नोल्ड। एलिजी जो कि कविताएँ जो थी लिखी जा रही थी लिखी अर्नोल्ड ने, वो अर्नोल्ड मैथ्यू अर्नोल्ड की सबसे बेस्ट
है उसको बोला ही इन्होंने एलिजी बोला। एलिजी एक का शब्द का अर्थ होता है कविता पोएम। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बात मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में बताया जाता है कि मैथ्यू अर्नोल्ड जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ से प्रभावित थे। विलियम वर्ड्सवर्थ आपने पढ़ा ही, विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे मैथ्यू अर्नोल्ड। इनकी रचनाओं को ये क्रिटिक करते थे और इस तरह हम लोगों ने देखा अर्नोल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ड्सवर्थ। और इन्होंने मेमोरियल वर्सेज लिखा, जैसे कि मैंने आपको बताया मेमोरियल वर्सेज में इन्होंने इसका क्रिटिक किया, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में क्रिटिक किया उसमें लिखकर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया मैथ्यू अर्नोल्ड ने कि इन्होंने एक पोएम लिखी जिसका नाम है स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी लिख लीजिए आप लोग, 1853 में आई थी ये पोएम। और इसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था ग्रेनविल, आपने देखा होगा ग्रेनविल का एक पोएम है डॉग मैच से प्रभावित थी ये स्कॉलर जिप्सी। पोएम है स्कॉलर जिप्सी 1853 में आई थी। इसमें इन्होंने ये ग्रेनविल की पोएम थी उस पर धारित, इन्होंने ये डॉग मैच से प्रभावित थी इन्होंने लिखी थी। बात करते हैं हम लोग आगे के बारे में। अगर हम बात करें मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में तो ये एक सेल्फ स्कूल्ड थे, मतलब बहुत अनुशासित, सेल्फ स्कैंड थे और सेल्फ ऑनर्ड और सेल्फ सिक्योर व्यक्ति थे मैथ्यू अर्नोल्ड, जो कि शेक्सपियर ने अपने सोनेट में लिखी है। ये शेक्सपियर के लिए लाइन थी जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है शेक्सपियर के बारे में कि ये सेल्फ स्कूल्ड थे, सेल्फ स्कैंड थे और सेल्फ ऑनर थे। ये सब कहानी चीज़ से आपसे नहीं पूछे जाएंगे लेकिन तब भी मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से इसको जानने की कोशिश की है कि हम लोग कैसे जानेंगे आपको मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। आगे बात करते हैं मेमोरियल वर्सेज के बारे में। ये मेमोरियल वर्सेज एक एलिजी है, इसके बारे में बोलते हैं कि गेटे विलियम वर्ड्सवर्थ और बैरन में के बारे में इन्होंने लिखा है इसमें, और इसमें इसको सुपीरियर दिखाने की कोशिश की है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। इन्होंने शैली के बारे में भी लिखा है, लिखते हैं कि शैली बिना अप्रभावी एक ऐसा देवदूत है जो सिर्फ अंधेरे में खाली स्थान पर पंख फड़फड़ा रहा है। शैली उस टाइम के एक बहुत बड़े पोएट थे और उनके विषय में ये लिखते हैं। अर्नोल्ड की पोएम्स स्कॉलर जिप्सी जो कि ये है स्कॉलर जिप्सी, इसके विषय में बता देना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1853 में ये आई थी, 1853 में आई थी। और ये एक पेस्टोरल है और ये बेस्ड ऑन द वैनिटी ऑफ डॉग मैचिंग है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था उसके बिहाफ पर ये लिखी गई है। स्कॉलर जिप्सी का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति थे जो कि एक ऑक्सफर्ड स्कॉलर थे, जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे और वो चले जाते हैं जिप्सी। जिप्सी एक क्या है कि एक ग्रुप है लोगों का जो कि इनकी रहने का और उनके जीने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनके साथ चले जाते हैं ताकि उन्हें लोगों की लाइफ के बारे में जान सकें, उसी का नाम है स्कॉलर जिप्सी। फिर बात करते हैं इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट के बारे में, सोहराब एन रुस्तम, इनकी एक बहुत बड़ी पोएम है सोहराब एन रुस्तम, इसको भी मैं लिख देता हूँ सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम इनकी बड़ी पोएम है और ये ली गई है शाहनामा से। याद रखिएगा सोहराब और रुस्तम भी इन्होंने मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी है और ये ली गई है शाहनामा से, जिसके कि लेखक फिरदौसी थे। शाहनामा को बुक ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, जो फारसी में लिखी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग फोकस करिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है इन सब चीज़ों पर फोकस किया। फिर हम बात करते हैं मार्गरीटी पर, ये भी एक पोएम है जो कि 1857 में पब्लिश की, ये लव लिरिक है मार्गरीटी। मार्गरीटी के ऊपर और इनको इनके ऊपर भी इन्होंने लिखा और 1857 में ये पोएम छपी थी, लव लिरिक इसका नाम है। और इस तरीके से जो है ये लिखने की कोशिश करता हूँ। एक बार फिर से मैं रिवीजन आप लोगों को करा देना चाहूँगा मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। जन्म देख लिया आपने 24 दिसंबर 1822 में, मृत्यु 1883 में हुआ,
और इस तरीके से इन्होंने इन चीज़ों को लिखने की कोशिश की है। अब बात करते हैं हम लोग 1867 में रग्बी चैपल, ये भी इन्होंने लिखी थी, पोस्टल एलिजी है। थॉमस अर्नोल्ड जो कि इनके पिता थे मैथ्यू अर्नोल्ड के, उनकी किताब है ये जिनका नाम है रग्बी चैपल, 1867 में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक। 1867 में थायरेसिस बुक लिखी गई। 1853 में स्कॉलरशिप सी आई, ये बुक 1853 में आई, ऑक्सफोर्ड स्कूल के बारे में है, 25 लाइन की पोएम है ये। और 1850 में मेमोरियल वर्सेज आई, 1850 में मेमोरियल वर्सेज आई, 1850 में मेमोरियल वर्सेज आई, 74 लाइन की पोएम है, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ बैरन और गेटी के विषय में बताया गया है। तो इस तरीके से हमने जाना कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या क्या किया। अब इनके विषय में मैं आप लोगों को अलग से रचनाओं को एक साथ बताऊंगा, सबके, प्लेटो का भी, वर्ड्सवर्थ का, मैथ्यू अर्नोल्ड, आई रिचर्ड्स और टीएस इलियट का, और इस तरीके से आपका जो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टीएस इलियट के बारे में। टीएस इलियट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है, इनके विषय में क्या है, इन्होंने कैसे क्या किया, और जो है इनकी रचनाओं का क्या नाम है, कैसे लोग इन्होंने काम किया, और इस तरह हम लोग ये देखेंगे।